हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक की मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन पीएच। तो क्लास टेंथ का एक टॉपिक है हमारे पास पीएच। तो किस तरह से पीएच वैल्यूज फाइंड आउट की जाती हैं, अगर हमें एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन की बात करनी है तो उसको लेके ये वीडियो बनाया गया। लेकिन कुछ सिंपल मैथमेटिक्स है जिसका हमें ध्यान रखना है, कुछ सिंपल लॉगरिथम के फॉर्मूलेज हैं जिसका हमें ध्यान रखना है, उन फॉर्मूलेज की बात कर लेता हूं ताकि न्यूमेरिकल्स को करना इजी हो जाए हमारे लिए। तो सबसे पहला जो लॉगरिथम का फॉर्मूला यहां पर यूज किया गया वो है लॉग ऑफ एम इंटू एन। एम इंटू एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह से मैं एम इंटू एन का यूज कर सकता हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि लॉग 12, तो लॉग 12 क्या है, लॉग 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये m हो गया और ये n हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो लॉग 12 को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जहां पर 4 क्या है m को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 जो है वो n को रिप्रेजेंट करता है। या ये भी कह सकते हो कि जो m है उसका वैल्यू यहां 4 है, जो n है उसका वैल्यू यहां पर 3 हो जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। तो मैं इसको लिख सकता हूं log 4 प्लस log 3। लेकिन टेंथ क्लास में क्योंकि log टेबल नहीं होती हमारे पास, तो बड़े सिंपल से क्वेश्चंस यहां पर हमारे पास आते हैं जिनका हमने यहां पर यूज करना है। तो मैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम की यहां पर बात नहीं करूंगा, सिर्फ इनका जनरल फॉर्मूलेज जो है उनका ध्यान रखना। सो log m into n इज इक्वल टू log m प्लस log n। सेकेंड अगर बात करें लॉग एम रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। अब अगर सेकेंड वन की अगर हम बात करें किस तरह से हमें उसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं उसको यहां बात करता हूं। जैसे हमने लिख दिया लॉग 10 रेज टू पावर माइनस टू, तो जो 10 है वो तो एम हो गया हमारा और जो माइनस टू है वो एन हो गया। सो इट इज इक्वल टू एन लॉग एम, तो एन आगे लिख लिया हमने, सो माइनस टू लॉग 10, तो जो log 10 है उसका वैल्यू 1 होता है। सो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि अगर हमें log 10 रेज टू पावर माइनस 2 निकालना है तो उसका आंसर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने यहां पर क्वेश्चंस को करना है। आगे अगर बात करें log m बाय n, सो log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो m माइनस n कर देना है उसको, log m माइनस log n। साथ ही साथ ध्यान रखना है log 10 का वैल्यू 1 है, log 100 का वैल्यू 2 है, log 1000 का वैल्यू 3 होता है। अब देखो जितनी जीरोज हैं उतना ही नंबर हमने लिख दिया, एक जीरो है तो एक लिख दिया, टू जीरोज हैं तो 2 हो गया, थ्री जीरोज हैं हमारे पास तो हमने यहां पर 3 का यूज कर लिया। और एक जो पीएच स्केल के बेसिस पर जो हम एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, दिस इज द रिलेशन दैट पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, क्योंकि जो पीएच स्केल है हमारी 0 से 14 तक वो वेरी करता है। तो अगर पीएच और पीओएच का सम निकाला जाए सो दैट विल बी इक्वल टू 14, वो 14 के इक्वल होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेके मैं यहां इन सारे फॉर्मूलेज का यूज करने की कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चंस को देखो ध्यान से जो अभी हम यहां पर लेंगे। तो यहां पर देखो हमने एक क्वेश्चन ले लिया और क्वेश्चन है फाइंड पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन विच हैज एच पॉजिटिव। स्क्वेयर ब्रैकेट में मैंने लिखा, इसका मतलब है हम यहां बात कर रहे हैं हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की। तो जो कंसेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 रेज टू पावर माइनस 3 एम, कैपिटल एम, मोलैरिटी, ठीक है। कंसेंट्रेशन टर्म है, मोलैरिटी हमारे पास, तो यह ध्यान रखना कि कंसेंट्रेशन का एक यूनिट है, कंसेंट्रेशन को हमने यहां पर यूज किया। अब अगर पीएच की बात करें तो पीएच का फॉर्मूला हमें पता है दैट पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। द पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, तो वैल्यू पुट हम कर देते हैं माइनस लॉग एज इट इज है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की तो वैल्यू गिवन है हमें कि जो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 3। तो अब याद करो कि यहां कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ये हो गया लॉग m रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू n लॉग m,
तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाते हैं। अगर हम उस फॉर्मूले का यूज करें तो नेगेटिव ऑलरेडी गिवन है, तो जो माइनस थ्री है वो एन हो गया, तो आगे लिख देंगे हम इसको लॉग टेन। अब हमें पता है द वैल्यू ऑफ लॉग टेन इज इक्वल टू वन, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस थ्री। तो जो पीएच है, द पीएच, क्योंकि पीएच हमें फाइंड आउट करना था, द पीएच ऑफ द एसिडिक सॉल्यूशन इज थ्री, ठीक है। तो जो पीएच वैल्यू यहां पर आती है वो हमारे पास थ्री हो गया। और देखो अपने आंसर को चेक करने का एक और तरीका हमारे पास है कि एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू क्या था, लेस देन सेवन, ठीक है। तो यहां अगर थ्री की हम बात करें तो लेस देन सेवन ही है ये हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं पीएच के, या जो सीबीएसई है, सीबीएसई ज्यादातर क्वेश्चंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अभी अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो सीबीएसई ने पीएच का कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें पीएच वैल्यूज को किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो इस तरह से हम उसे फाइंड आउट करते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं, लेकिन वो एग्जाम्पल बेसिक सोल्यूशन के लिए हम यहां पर यूज करेंगे, उसे ध्यान से देखना। तो हमने कहा कि हम बेसिक सॉल्यूशन को लेके एक न्यूमेरिकल को करेंगे। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो क्वेश्चन के अंदर अभी भी पीएच पूछा गया है, और वो भी बेसिक सॉल्यूशन के लिए। तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन 10^-3 मोलर। वही क्वेश्चन मैंने चूज किया, हमने सिर्फ क्या किया, एसिडिक सॉल्यूशन की जगह हमने क्या किया, बेसिक सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की जगह हमने ले लिया हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन को। तो वहां पर हमने पीएच का फॉर्मूला यूज किया, यहां हम ओएच से उसे रिप्लेस कर देंगे। सो पीओएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन। समझना इस चीज को, पहले हम यहां H ले रहे थे, H पॉजिटिव, लेकिन अब हाइड्रोक्साइड बेस के लिए हम काम कर रहे हैं, तो हमने फॉर्मूले को चेंज कर दिया। नाउ इट चेंजेस टू POH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन। तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसेंट्रेशन की तरह हम उसको यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसी मैनर में हमने वर्क करना है। सो पीओएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉगरिथम 10^-3 हो जाएगा। फिर से हम लॉग एम रेस टू पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, लॉग 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अभी जो वैल्यू फाइंड आउट हमें हुआ, दिस इज ऑफ पीओएच, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, जो पीओएच OH का हमारे पास पावर निकल के आ गया, पावर ऑफ OH हमारे पास आया 3। लेकिन क्वेश्चन POH को लेके नहीं है, क्वेश्चन किसको लेके है, pH को। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमने तो क्वेश्चन कर लिया, हमारा तो आंसर फाइंड आउट हो गया, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी देखो, क्वेश्चन में POH फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है पी H को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर pH को हमने फाइंड आउट करना है, तो अभी हमने एक फॉर्मूला कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, और वो था pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो POH का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 3। सो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 11। तो जो pH वैल्यू हमारे पास आएगा वो 11 होगा। और अगर हम याद रखें अपने बेसिक्स को, अपने थ्योरेटिकल पार्ट को जो हमने पीएच के लिए स्टडी किया, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए जो पीएच वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा गया पीएच को फाइंड आउट करने के लिए, तो यहां जो पीएच वैल्यू आती है वो 7 से ज्यादा ही आती है। और अगर बेसिक सॉल्यूशन की हम बात करें, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 ही होती है। तो इस तरह से दोनों टाइप्स के न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें बता दिए कि अगर पीएच फाइंड आउट करना है, या अगर पीओएच भी हमें फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से हम वहां पर रिलेशंस का यूज कर सकते हैं। तो इन रिलेशंस का काफी अच्छी तरह से ध्यान रखना, क्वेश्चंस को ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए यहां पर ध्यान रखना। कोई डाउट हो तो कमेंट करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।